नमस्कार प्रभा साक्षी डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है आज हमारे धर्म चैनल में हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कैसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और पूजा कैसे करें पूजा का समय क्या सर्वोत्तम है इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर धन्यवाद जी हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्या है और जो साल में हम देखते हैं कि बहुत सारी शिवरात्रि आती है तो ये उनसे अलग कैसे है देखिए शिवरात्रि जो है वो भगवान शंकर को सर्वप्रिय तिथि है और ये शिवरात्रि नहीं कहलाती बल्कि ये महाशिवरात्रि कहलाती है जी। और इससे पहले श्रावण मास में हम देखते हैं कि कांवड़ लेकर के लोग आते हैं हाँ जी। वो भी एक शिवरात्रि है वो बड़ी शिवरात्रि है और हर महीने में चतुर्दशी जो तिथि आती है कृष्ण पक्ष की उसमें भगवान शंकर के पूजा के लिए विशेष विधान है तो ये भगवान शंकर को दस महाव्रतों में से एक व्रत है जो उनको विशेष पसंद है जैसे कृष्ण पक्ष में कालाष्टमी आती है भगवान शंकर को वो भी बहुत पसंद है इस तरह से जो तो सोमवार के व्रत हैं उनके संबंध में भी शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव जो हैं सो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और अभीष्ट वर जो है वो प्रदान करते हैं जी। तो कुछ ये और ये जो जहाँ तक चतुर्दशी की बात है चतुर्दशी तो भगवती माँ पार्वती को भी बहुत प्रिय है क्योंकि सप्तशती में उल्लेख आता है कि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी को जो भगवती की पूजा करते हैं और उनको समर्पित करके और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं उनका सब प्रकार से कल्याण होता है जी। तो ये और चतुर्दशी ये जो यात्री ये जो शिवरात्रि है ये शिवरात्रि महारात्रियों में गिनी जाती है जैसे कि दिवाली है दिवाली की जो अमावस है वो भी महारात्रि है होली तो, की जो रात्रि है वो भी महारात्रि है नहीं, और नहीं, उसी तरह से ये महारात्रि है शिवरात्रि इस दिन की गई साधना जो है वो अगणित फल प्रदान करती है अनंत फल प्रदान करती है और तांत्रिक साधना के लिए ये तिथि महाशिवरात्रि होली और दीपावली की जो तिथियाँ है, महारात्रियाँ हैं ये विशिष्ट स्थान रखती हैं अच्छा जी इसमें ये बताइए कि आ, आ, सुना जाता है कि महाशिवरात्रि पर चार पहर की पूजा करनी चाहिए तो हम जाना चाहेंगे चार पहर में कब कब करनी चाहिए और क्या कोई स, और भी सबसे अच्छा समय कोई बताएं जब पूजा करें लोग जी ऐसा है कि चार प्रहर की पूजा हमारे यहाँ शास्त्रों में विहित है दिन को पूरे दिन को चौबीस घंटों को हम लोगों ने आठ भागों में बांट रखा है आठों याम उपाधि आते हैं ना उसमें उल्लेख आता है तो रात्रि के जो चार प्रहर हैं वो सूर्यास्त ले से लेकर के सूर्योदय तक के चार प्रहर हैं तो उसमें आप मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि छः से नौ के बीच पहला प्रहर है अच्छा नौ से बारह के बीच दूसरा प्रहर है और बारह से तीन तक का तीसरा प्रहर है और तीन से लेकर के छः तक का जो पीरियड है जो समय है वो चौथा प्रहर है तो चौथे प्र, चार प्रहर की पूजा का इस प्रकार से जो है सो हमारे यहाँ इसमें शास्त्रों में शिव पुराण में और जो शिव साधना के शिव जी की पूजा के लिए जो बताए गए हैं उसमें वो विधान है इसमें मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो रात्रि के चार प्रहर हैं उनमें अलग अलग पूजा में कुछ अलग अलग विधान दिया गया है यानी सामान्य सामग्री तो पूजा के हम लोग लेते ही हैं जैसे पत्र पुष्प पुष्प फल ये सब उसमें होते हैं लेकिन हर प्रहर में क्या अलग होना चाहिए इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना लूँगा जी जी तो ये कहा गया है कि भाई एक तो शिवालय में जाकर के और गंध पुष्प आदि से पूजन करें जलधारा चढ़ाएं और 108 बार नमः बार का जाप करें उसके बाद में जो है सो पहले प्रहर के अंदर आ, अखंडित अक्षत और काले तिल अर्पित करें चावल हों वो अखंडित हों और विशेष रूप से भगवान शंकर को कमल का पुष्प और कनेर का पुष्प चढ़ाया जाए कनेर के पुष्प का विशेष विधान जो है उसमें आ, बताया गया है और अंत जब पूजा समाप्त कर दें तो तांबूल यानी लगा हुआ पान जी और श्रीफल ये समर्पित करें ये पहली पूजा का विधान है प्रथम प्रहर की पूजा का विधान है और दूसरे प्रहर में जो है वो तिल जो और कमल पुष्प से पूजा करने का विधान है इसमें भगवान शंकर को और चीज़ों के साथ साथ यानी पंच पंचगव्य हम लोग जिसमें दूध दही घी चीनी और मधु है वो वो और साथ में जलधारा जलधारा तो हर हर पूजा में भगवान शंकर को पसंद है ही तो कमल पुष्प तिल और जौ का वो करें और बिल्व पत्र जो है वो चढ़ाएं। एक यहाँ उल्लेख ये भी आता है कि बिजोरा नींबू आता है एक बड़ा अनार संतरे की तरह का अच्छा। तो वो भी भगवान शंकर को इस दूसरे प्रहर की पूजा में समर्पित करना चाहिए उससे अभीष्ट सिद्धि होती है और खीर का नैवेद्य दिया जाए खीर बना करके भगवान को नैवेद्य के रूप में भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाए ये दूसरे प्रहर का है और तीसरे प्रहर में जो है वो बाकी तो सब सामान्य है लेकिन यव के स्थान पर यानी जौ के स्थान पर गेहूं का प्रयोग बताया गया है तो जौ के स्थान पर गेहूं का प्रयोग लें और आग के पुष्पों का समर्पण करें आग के पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ये तीसरे प्रहर में है और इसमें अपना नैवेद्य के रूप में प्रसाद के रूप में भगवान को मालपुए चढ़ाए जाए ये इससे जो है सो जो भी मन की कामनाएं हैं वो पूरी होती हैं अनेक प्रकार के फल भी भगवान को समर्पित करने चाहिए और अर्घ के साथ में यानी जब पूजा कर चुके हैं तो भगवान को हम एक विशेष अर्घ देते हैं उस अर्घ में जो है वो अनार का फल आ, प्रदान करना चाहिए अच्छा। और जितना जाप जो है सो पहले कहा गया है ओम नमः शिवाय नम नम शिवाय का उसको इसमें दोगुना कर देना चाहिए चौथे प्रहर की पूजा में सारी चीजें सामान्य रहेंगी लेकिन इसमें उड़द के बने हुए नैवेद्य का जैसे पिन्नी बनती हैं यहाँ पंजाब में या दिल्ली में पिन्नी या उड़द का बना हुआ कोई विशेष पदार्थ नहीं। मीठा नहीं। और और मिठाई जो है वो समर्पित की जाए और यहाँ विल्व पत्र के साथ साथ भगवान शंकर को शंख पुष्पी समर्पित करने के लिए कहा गया है तो शंख पुष्पी और नैवेद्य के रूप में आ, उड़द का पकवान और केले का फल ये चतुर्थ प्रहर की पूजा का विधान है जी, जी। मेरा एक अनुरोध ये है, रहता है जैसे ये तो निश्चित समय है पूजा के जी, जी। और ये परम्परा शास्त्रीय भी हैं अब कुछ लोग जो है इसके अलावा भी कुछ समय मांगते हैं तो उसमें मैं ऐसा उनको सलाह दिया करता हूँ कि भाई जैसे दिवाली के लिए हम चौघड़िए का मुहूर्त देते हैं अच्छे चौघड़िए के अंदर जो है सो दिवाली की पूजा करने से सफलता मिलती है तो यदि हम वो चारों प्रहर की पूजा नहीं कर भी पाए तो कम से कम अच्छे चौघड़िया के अंदर भगवान शंकर का पूजन कर लो जी जी, जी. तो वो चौघड़िया मैं आपको तेरह और चौदह दोनों के लिए बता देता हूँ जी जी जी. तो पहला चौघड़ी पहला जो चौघड़िया होगा वो तेरह तारीख मंगलवार को अभी इस पर भी अपन चर्चा करेंगे जी जी जी. तो लाभ का चौघड़िया होगा वो उन्नीस बयालीस से लेकर के इक्कीस अट्ठावन तक दिल्ली में रहेगा अच्छा और उसके बाद जो है बाईस अट्ठावन से शुभ का अमृत का और चर का ये तीन चौघड़िए लगातार जो है वो पूजा के लिए श्रेष्ठ हैं जो लगभग तीन बजे तक चलेंगे दो बजकर के दस मिनट तक तीसरा लग्न शुरू होगा चौघड़िया का तो इनमें यह किया जा सकता है लगभग वही समय तेरा, तेरा की रात्री को ना? ये तेरह की रात्रि का है जी, जी। और चौदह की रात्रि में भी बस दो चार मिनट का फर्क है बाकी यही जो है वो लग रहेंगे एक पहला रहेगा शुभ का जी। वो उन्नीस पैंतालीस से रहेगा जी। दूसरा जो है वो इक्कीस इक्कीस से शुरू होगा और तीसरा जो है वो बाईस अट्ठावन से शुरू होगा और चौथा जो लाभ का है वो तीन बजकर के सैतालीस मिनट से शुरू हो गया अब अपन ने इसमें जब विचार किया तो ये देखा होगा कि जो चार प्रहर की पूजा के समय हैं वो तो लगभग इससे टैली करते हैं जी जी। तो ये समय का जो है वो हम लोगों ने इसमें इस बार रखा है हाँ जी। इसमें देखें जी एक हाँ। जो एक बार एक इस बार ना इस साल खासकर अधिकतर हम देखते हैं कि ना कोई भी पर्व आता है तो उसमें लेकर संशय हो जाता है कि ये आज है या कल है इस बार भी कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि है वो तेरह को है चौदह को है तो इस पर आप कुछ जो क्लियरिटी देना चाहेंगे इसमें निशीत काल मुख्य माना गया है जैसे दिन के समय में एक समय होता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय जो है वो ग्यारह अड़तालीस से लेकर के बारह बजे बारह बजकर के बारह मिनट तक का होता है बुधवार को नहीं होता बाकी सब दिन ये अभिजीत मुहूर्त होता है इसी तरह से रात्रि का एक विशेष मुहूर्त होता है साधना के लिए उसे हम निशीत काल कहते हैं तो वो निशीत काल भी लगभग लग लग इसी समय आता है यानी रात के बारह बजे के होना चाहिए तो शास्त्र यही कहते हैं कि शिवरात्रि का जो विशेष पूजन है वो आदमी को उस तिथि में करना चाहिए जिसमें मध्य रात्रि के समय जो है वो चतुर्दशी तिथि हो तो इस बार जो है वो चतुर्दशी तिथि तो तेरह तारीख को बारह बजे रहती है चौदह तारीख को तो नहीं रहती लेकिन सूर्य के उदय से ये हम निश्चित काल गिनते हैं जब भी गणना करेंगे तो सूर्योदय से लेकर के उसकी गणना के अनुसार होगा तो तेरह तारीख को कुछ भागों में तो जो है जैसे दिल ये जो पूर्वी क्षेत्र हैं अपने भारत के इंक्लूडिंग अपना तमिलनाडु उसमें तेरह तारीख की ही जो है वो मनाएंगे अच्छा। ईशा योग फाउंडेशन है माना हुआ है तो उसमें भी तेरह तारीख की ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी हाँ तो अगर उत्तर भारत की करें तो उत्तर भारत में खास तौर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें ये तेरह तारीख को नहीं हो पाई चौदह कोई रहेगी दिल्ली में चूंकि हम लोग रहते हैं तो लोक व्यवहार भी देखना पड़ता है तो लोक व्यवहार के कारण जो है सो तो इसमें ऐसा हो गया है बाकी शिवरात्रि में ऐसा प्राय नहीं होता नहीं। लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति होती रही होगी इसीलिए शास्त्रों को पहले ये व्यवस्था देनी पड़ी देनी पड़ी थी कि भाई निश्चित काल जब जिस दिन हो निश्चित काल में यदि चतुर्दशी हो तो लेना चाहिए एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका हम जाप करें खासकर महाशिवरात्रि पर श्रेष्ठतम मंत्र तो नमः शिवाय है जी। इसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं इसमें न मैं शि व ये ये पांच अक्षर हैं और इन्हीं पांच अक्षरों को पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है जी तो इसका अधिक से अधिक जाप करने के लिए त्या, त्या, त्य चार प्रहर की पूजा में भी विशेष उल्लेख है और पूजा के संबंध में मैं चूँकि मंत्र बहुत होते हैं और जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है वो भी भगवान शंकर का ही मंत्र है और ये जूम स है ओम होम जूम सह ये भी अपने आप में भगवान शंकर का पूरा एक मृत्युंजय मंत्र है मेरी तो सलाह ये होगी कि नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और हो समय हो तो रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए जो तुलसीदास जी ने लिखा है नमामिष शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम ये जो है उसका करना चाहिए एक भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा स्तोत्र है जिसे हम शिव महिमन स्तोत्र कहते हैं तो शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से कहते हैं कि भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे विशेष तरंगे वातावरण में होती हैं जो पवित्रता देती हैं और भक्ति भावना भी पैदा करती हैं महिम ना ना पर स्तुति ही महिमन से बढ़ करके कोई स्तुति नहीं है और शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है नास्ती गुरु परम और गुरु से बढ़कर के कोई और नहीं है इस तरह का उल्लेख जो है वो मिलता है, मिलता है। तो महिम्न स्त्रोत्र का पाठ नमः शिवाय का पाठ रुद्राष्टक का पाठ ये सब मनोरथों के साथ भी किया जा सकता है निष्काम भाव से भी किया जा सकता है रुद्राष्टाध्याय में एक मंत्र आता है ओम ईशान सर्वविद्याम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मास ये जो मंत्र है ये पांचवें अध्याय का पांचवा मंत्र है ये विद्यार्थियों के लिए और जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए ऐसा उत्तम उपाय है उत्तम साधन है जिससे उनको प्रसिद्धि भी मिलती है सफलता भी मिलती है और मैंने इस मंत्र का प्रयोग कई सिविल सर्विसेज के आदमियों के लिए कराया अच्छा आई ए एस आई पी एस के लिए उनको इतनी अच्छी सफलता मिली कि वो आज भी इस चीज़ को याद करते हैं और उस, इसका नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं, करते हैं जी। ये और बहुत सारी जो युवतियाँ उनके मन में रहता है कि मनपसंद वर के लिए तो ये आज का जो महाशिवरात्रि का जो दिन है उस दिन वो क्या करें खास तौर पे इसके लिए इसके लिए एक छोटा सा मंत्र है जिसमें वो भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती आप भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं तो आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि भगवान शंकर जैसा ही प्रेम करने वाला पति हमको प्रा, प्राप्त हो हे शंकर गौरी शंकर मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है लेकिन वो मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है उसका भी जाप जो है वो करना, चाहिए। वो करना चाहिए हाँ और कुछ लोग जैसे कुछ लड़कों के लिए भी है अच्छा लड़कों के लिए मानस में आया है की पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षित बहे सुरेशा कुछ ऐसा है जिसमें कहा कि जब भगवान शंकर ने भगवती का पानी पानी ग्रहण किया तो देवता लोग स्वर्ग में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा की तो इसका जाप करने से जिन लड़कों की शादी नहीं होती है उनकी शादी होती है अच्छा निश्चित है जी जी और कई कुछ लोग शारीरिक कष्ट से परेशान होते हैं कुछ अपने जो सा, कुछ घर की परेशानियाँ चल रही हैं किसी को कुछ ना कुछ परेशानी से हर कोई जूझ रहा होता है तो ऐसा कुछ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो इन सब कष्टों से मुक्ति दिला सके एक तो इसमें नमः शिवाय का ही मंत्र बहुत अच्छा है जी और दूसरा जो है यदि शारीरिक कष्टों से मुक्ति पानी हो तो भगवान शंकर के महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए और एक लघु महामृत्युंजय भी है ओम होम जूम सह बस इससे भी और इसमें व्यक्ति जो बीमार है वो उसका नाम लेकर के भी एक मंत्र का प्रयोग है ओम होम जूम सह और नाम व्यक्ति का लेकर के पालय पालय इससे जो है सो रोगों से मुक्ति, आ, मुक्ति मिलती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है जी, जी, जी. आ, एक और भी मंत्र है आ, छोटा सा है जे मैं बताऊं आपको रोगों से मुक्ति के साथ साथ ही जो है वो आ, सब प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक सिद्धियां देता है वो है शिव गायत्री अच्छा। जैसे गायत्री जी का मंत्र है ना ओम भूर्वस्वत इसी तरह से एक शिव गायत्री है वो शिव गायत्री का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया इस मंत्र से भी आध्यात्मिक सिद्धि भी मिलती है और लौकिक सिद्धियां भी मिलती हैं और महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का क्या महत्व है महाशिवरात्रि पर अभिषेक से भगवान प्रसन्न होते हैं अभिषेक का मतलब ही होता है ना जल धारा करना अभिषेक करना जी, जी। तो भगवान शंकर जल से बहुत प्रिय होते हैं भगवान विष्णु पुष्प से बहुत प्रसन्न होते हैं तो जलधारा का प्रयोग इनके लिए विशेष रूप से किया गया है एक छोटा सा प्रयोग और जो है वो शिव पुराण में आता है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता है उसमें आठ जो भगवान शंकर के नाम मंत्र हैं वो दिए गए हैं और उनमें कहा गया है कि इन आठ नाम मंत्रों से जो शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग का मतलब ये है कि अपने हाथ से थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा की जाए ये सर्वसाधारण के लिए बड़ा उपयोगी है देखिए बड़े बड़े मंत्रों से और बड़े बड़े साधनों में उतना वो आजकल लोग नहीं जा सकते नहीं। लेकिन इन आठ मंत्रों से यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि के दिन या सामान्य तौर पर वैसे भी यदि किया जाए तो वो बहुत ही लाभप्रद होगा तो मैं आपको उन आठ मंत्रों के बारे में नाम मंत्रों के बारे में बता देता हूँ जी तो एक है जैसे ओम हराय नम हर हर से हराय बन गया चतुर्थी शब्द में उसमें और इस ओम हराय नमः कह करके मिट्टी उठाई जाए तो अभिमंत्रित हो गई मिट्टी और फिर ओम महेश्वराय नमः ऐसा कह करके उसका शिवलिंग का निर्माण किया जाए तीसरा जो है वो ओम शंभवे नमः ऐसा कह करके उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए और चौथा है ओम शूल पाणय उसमें जो है इस मंत्र के साथ भगवान शिव के आवाहन का वो किया जाए कि हे भगवान शिव आप पधारिए ओम शूल ने नम और ओम पिनाक धृष्य नम इससे भगवान शंकर पर जल धारा चढ़ाई जाए स्नान कराया जाए उनको और ओम शिवाय नम इस मंत्र से जितना हो सके पूजा की जाए और जाप किया जाए ओम पशुपते नमः इस सातवें मंत्र से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आठवें मंत्र से ओम महादेवाय नमः करके उनका विसर्जन करना चाहिए जी, जी। और इसके बाद भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करने का प्रयास करना चाहिए उसके लिए जो है वो इसी विद्येश्वर संहिता के बीसवें अध्याय में छप्पनवें श्लोक में लिखा गया है की गला बना करके और विचित्र ध्वनि के साथ प्रणाम करना चाहिए अच्छा। जैसे कई बार लोग करते हैं नहीं। 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 करते हैं तो ये गले से विशेष प्रकार की आवाज़ निकाल करके भगवान शंकर को प्रणाम करना चाहिए इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं जी जी अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि ना आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जगह आता है कि इस विशेष राशि के लोगों को इस तरह से पूजन करना चाहिए इस विशेष राशि के लोगों को इस तरह से पूजन करना चाहिए तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी नीरज जी मेरा ख्याल है कि ये लोगों में भ्रांति है क्योंकि जितने भी मंत्र हैं और जितने भी अपने यहाँ साधन हैं आध्यात्मिक साधन वो प्रयोजन मूलक हैं किस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं ये होना चाहिए ये राखी ये बांधनी है इस राखी इस राशि की बहन को इस राखी इस राशि के भाई को इस रंग की राखी बांधनी चाहिए ऐसा कहीं उल्लेख शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये भ्रांति जो है सो आजकल चल रही है और मीडिया में ज़्यादा चल रही है तो ये कोई आधार नहीं है हमारे यहाँ सीधी सादी बात है आपका स्वास्थ्य आपको चाहिए किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए कामना करनी है तो स्वास्थ्य के लिए आपको जो मंत्र हैं उनका प्रयोग करना चाहिए और इसी तरह से जो आपको जैसे विवाह के लिए अभी आपने पूछा आ, कि विवाह के एक आवश्यकता है लड़के के लिए भी है लड़की के लिए भी आयु प्राप्त होने के बाद भी नहीं हो रही है तो कोई कारण है उस कारण को दूर करने के लिए इसका सहारा लेना चाहिए इसमें किस राशि के लिए हो रहा है और किस राशि के लिए नहीं हो रहा है ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं, नहीं है ना तो ये मात्र भ्रांति है और इससे जो है वो ज्योतिष का भी अपमान होता है साथ ही जो है वो आ, आ, लोगों में भी एक गलत धारणाएं प्रवेश करती हैं वो नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य है सबको चाहिए स्वास्थ्य के अब मैंने बचपन में भी से अब तक हम लोग देखते आए हैं राखी भी पहले बांधी जाती थी तो एक मौली के रूप में बांधी जाती थी और जी, मंत्र भी वही होता था अके एन बद्धोबली राजा दानवेंद्रो महाबल है अब मंत्र तो सब वही रहता है लेकिन ये रंग के कपड़े पहन करके ये करना चाहिए और वो रंग के कपड़े पहन करके ऐसा करना चाहिए ऐसा कुछ उल्लेख नहीं शास्त्रों में नहीं है कम से कम और बिना शास्त्र की अनुमति के कुछ भी कहना वो एक बकवास है और कुछ नहीं मानता आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से ये जानकारी साझा करने के लिए और हमें उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आएगा और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे आप सभी देखते रहिए ताज़ा अपडेट्स के लिए डब्ल्यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का